सरकार तो बना रहे हैं लेकिन वो लूली लंगड़ी सरकार है, वो कोई उनको पब्लिक के सपोर्ट से सरकार नहीं है, वो मैनेज करके सरकार बना रहे हैं। राम तो हमारी श्रद्धा की चीज़ है, वो चुनाव के लिए लाने का वो गलती की थी इन्होंने और लोगों ने उसका जवाब दे दिया। जहाँ जहाँ ये नारा लगा, जहाँ जहाँ राम का सवाल उठाया, वहाँ सब जगह बीजेपी हार गई। मेरी तो खबर ये है कि परसों आरएसएस के लोगों की कोई बैठक हुई थी दिल्ली में, जिसमें वो इस कोशिश में थे कि इनको चेंज कर दें, मोदी को चेंज कर। जी जी, ज़्यादा शिकायत मुझे ओपोजिशन से है, उन्होंने पुलवामा को शिद्दत से नहीं उठाया जिससे उन्हें उठाना चाहिए था। मेरी इतनी सलाह होगी कि वो जिस तरह ममता दीदी को हैरेस कर रहे हैं, जो विपक्ष के जो बढ़ते हुए लोग हैं उनको हैरेस करने की कोशिश ना करें, वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा और कुछ नहीं निकलेगा उसमें से। मीडिया फिजूल डरा हुआ है और मीडिया में भी वो डरे हुए हैं जिनके पास इल-गॉटन वेल्थ है। किसानों को ये लगा कि हमारी ज़मीनें थी वो ख़त्म कर रहे हैं, हमारी खेती ख़त्म कर रहे हैं, हमारी फौज थी हमारे बच्चे चले जाते थे उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो किसानों में ये कन्विक्शन हो गया कि हमें ख़त्म करना चाहता। दूसरे मोदी जी का जो मिथ था कि मैं तो इंसान के तौर पे पैदा ही नहीं हुआ हूँ, मैं तो अवतार हूँ और क्या क्या है, वो सब टूट गया है। 2023, the year leading to 2024 Lok Sabha election, will always be remembered for one big interview that in a way shook the very conscience of a country that was so far only and only mourning the losses of the fallen soldiers in Pulwama. But one interview had also compelled people to ask questions. The man was Satyapal Malik, former governor of Jammu and Kashmir, once with BJP, but today is also paying a price for speaking out what many BJP leaders possibly never wanted him to. The truth is certainly not known to everyone, but Satyapal Malik had dared to speak out the truth. Thank you so much for your time, sir. How are you doing? I'm fine, thank you. Sir, we are speaking at a time about 24 hours after the results of Lok Sabha election 2024 had come out. Vipaksh ka kehna tha, is chunav mein Modi haarega aur India jeetega. Lekin Modi ji sarkar bana rahe hai. Dekhiye, Modi ji sarkar to bana rahe hai, lekin wo luli langdi sarkar hai. Wo koi unko public ke support se sarkar nahi hai. Wo manage karke sarkar bana rahe hai. दूसरे मोदी जी का जो मिथ था कि मैं तो इंसान के तौर पे पैदा ही नहीं हुआ हूँ, मैं तो अवतार हूँ और क्या क्या है, वो सब टूट गया है। बायोलॉजिकल नहीं हूँ, तो वो सारा जो घमंड की बातें थी वो चकनाचूर हो गई हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस चुनाव की है। ये चुनाव एक मैंडेट है एरोगेंस एंड एरोगेंस ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर। जो भी सत्ता पे आता है उनका एक घमंड तो होता है, क्या ये मैंडेट है कि उस घमंड को तोड़ने का क्षमता इंडिया में है? वेरी मच इसमें बहुत उम्मीद जगती है लोगों में और ये कि जनता जो है जागरूक है और वो अपने हकों के लिए लड़ना जानती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से परिणाम आए, किसी ने शायद सोचा भी नहीं था। अखिलेश यादव और डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, कह रहे थे कि उनका प्रदर्शनी बहुत अच्छा होगा, लेकिन आम तौर पे एग्जिट पोल का बात ना भी करे तो लोगों ने ऐसे सोच भी नहीं पाया कि ऐसा बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। आपको उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहना? मैं तो यूपी की जो सामर्थ्य है उसको जानता हूँ, मुझे अंदाज था ऐसा ही होगा क्योंकि यूपी रिएक्ट करता है और चरण सिंह जी के ज़माने से अब तक मैं देखता रहा हूँ, जब जो एरोगेंट सरकार आती है उसके खिलाफ यूपी पलट के जवाब देता है। ये यूपी के रिएक्शन के इसके ऊपर भी है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इस घमंड के खिलाफ? देखिए, राम को बीच में नहीं लाना चाहिए, राम तो हमारी श्रद्धा की चीज़ है, वो चुनाव के लिए लाने का वो गलती की थी इन्होंने और लोगों ने उसका जवाब दे दिया। जहाँ जहाँ ये नारा लगा, जहाँ जहाँ राम का सवाल उठाया, वहाँ सब जगह बीजेपी हार गई। फैजाबाद जहाँ पे अयोध्या के मंदिर है उधर भी हार गए, खुद अयोध्या में हार गए, उसके आसपास के 4-6 जिलों में सब जगह हार गए। मलिक साहब, आपने कुछ सवाल उठाए थे प्रधानमंत्री के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, पुलवामा के ऊपर, उसका भुगतना भी आपको पड़ा? बिल्कुल, उसमें मेरे पुलवामा का मैंने उठाया था और वो मैं कन्विंस होकर उठाया था क्योंकि मैं जब पुलवामा हुआ तो मैं कश्मीर में था। मैंने तभी, जैसे पुलवामा हुआ उसके 2 घंटे बाद ही,
मैंने इनको ढूंढा, ये कहीं अपनी शूटिंग कराने गए हुए थे, तो शाम को आए, इन्होंने पूछा क्या बात है सतपाल भाई, मैं कहा ऐसे ऐसे हुआ है और ये हमारी गलती से हुआ। तो बोले नहीं इस पर भी चुप रहना, मैं समझा कोई जांच कराएंगे। फिर दो घंटे बाद मुझे NSA का फ़ोन आया, उसने कहा सतपाल भाई इस पर अभी बोलना नहीं है, क्योंकि मैं 2-3 चैनल को ये बोल चुका था कि हमारी गलती से हुआ। और हुआ ये था कि CRPF ने होम मिनिस्ट्री से 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे कि 5 फ्लाइट में हमारे सब लोग चले जाएंगे, हमको सड़क से नहीं जाना पड़ेगा। 4 महीने तक उनकी रिक्वेस्ट पड़ी रही और 4 महीने बाद उनको मना कर दिया। तो ये तो हमारी गलती थी, अगर ये कर दिए होते तो ये होता ही नहीं। ये गलती इज इक्वल टू हत्या, मोर देन दैट, हत्या और हत्या के अलावा ये एटीट्यूड टुवर्ड्स योर सोल्जर्स। 2019 की जो चुनाव था सर, आपको भी याद होगा, पुलवामा के ऊपर वोट्स मांगे गए थे, हर बार वोट्स मांगे गए थे, और ये और 2024 में एक ही कनेक्शन है कि आपने इससे पहले एक इंटरव्यू में ये सारे सवाल उठाए, तो पुलवामा घूम फिर के आ ही गया। ये उस चुनाव में इन्होंने हर बार ये अपील की कि जब वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। अब मैंने कहा कि भाई पुलवामा के शहीदों को याद रखो, तो अब ये उसमें फिर ये रिएक्ट कर गए, मेरे लोगों पे रेड, ये वो सब करा, मेरी सिक्योरिटी सारी विड्रॉ हो गई। आपका भी हुआ है सर रेड? हाँ, मेरे यहाँ भी हुआ है, मेरे तो गांव में भी गए, पुराने घर में जो 200 साल पुराना घर है, और सब तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। तो लगता है कि पुलवामा का जो सच्चाई है वो पोलिटिकली और इलेक्टोरली रेड किया उनकी राजनीतिक भविष्य के ऊपर, मोदी का भविष्य के ऊपर, राजनीतिक भविष्य को। मुझे शिकायत उनसे नहीं है, ज़्यादा शिकायत मुझे ओपोजिशन से है, उन्होंने पुलवामा को उस शिद्दत से नहीं उठाया जिससे उन्हें उठाना चाहिए था। आज भी पुलवामा जिंदा है, अगर ओपोजिशन पुलवामा का सवाल उठाएगा तो ये ख़त्म हो जाएंगे उसी में। ये सारे विपक्ष के लोग मिल रहे हैं, उनका कहना है कि उनके पास भी संभावना है सरकार बनाने की, तो अगर विपक्ष कामयाब हो जाते, पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज़, अगर वो कामयाब हो जाते, क्या आप अपने तरफ से ये मांग रखेंगे कि पुलवामा का सच्चाई सामने आना चाहिए? मैं उनकी कामयाबी से पहले ये मांग रख रहा हूँ आपके माध्यम से कि उनको पुलवामा का सवाल उठाना चाहिए, और इसी से वो कामयाब होंगे। वो ये कहें भाई पुलवामा में आपने कोई जाँच कराई, क्या कराया, किसी का की गर्दन रोल हुई, कोई हटा, किसी को सज़ा मिली कि नहीं मिली, तो आप पाएंगे कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं, उसको सिर्फ पॉलिटिकल इशू बना के चुनाव लड़ लिया उस पर। सर, ये ऑपोजिशन का कहना है, विपक्ष का कहना है कि उनका गला घोटा जाता था, उनका अगर कोई सवाल उठाए, कोई अगर इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर सवाल उठा ले तो सस्पेंड किया गया है। आपको लगता है कि ये जो अरेंजमेंट है आज के तारीख में 240 BJP के पास है और विपक्ष के पास कुल मिला के जितने सारे सीट है, यानी ऑपोजिशन भी थोड़ा तगड़ा हुआ है इस बार ऐसे लोकसभा में, आपको लगता है वो माहौल फिर से बन पाएगा अगर कोई सवाल उठाए तो? बन सकता है, मैं तो लोहिया के ज़माने में रहा हूँ, लोहिया जी के साथ तो 4 MP होते थे, खुद वो MP नहीं थे, 4 जोड़ी कुर्ता धोती और एक सूटकेस से सारा देश बदल लिया था उसने। सवाल ये है कि ओपोजिशन अगर सड़क पर आ जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। अच्छा, ये मोदी जी का जो कहना था, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अभी जो हालात है लग रहा है इस बार अलायंस का सरकार, तो मोदी जी का जो एक घमंड था कि हम किसी को ज़रूरत नहीं है, वो टूट गया। आज नीतीश कुमार भी है, चंद्रबाबू नायडू भी है, क्या वो हम साथ साथ है या हंसी खुशी एक परिवार वो बना पाएंगे, क्योंकि आदत तो उनको है नहीं। वो उनका स्वभाव नहीं है उस तरह का, वो डिक्टेटरशिप वो अपने उसमें चलाना चाहते हैं लोगों को। हाँ, उनका बहुत जल्दी इन लोगों से बिगड़ेगा, फिर क्या होगा, फिर वो चले जाएंगे पावर से और मोदी जी का सरकार टूट जाएगा, मोदी जी चले जाएंगे खुद ही तंग आके। अच्छा, आपको लगता है मिड टर्म इलेक्शन एक पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबिलिटी, रियल पॉसिबिलिटी है। आपने तो पहले बहुत कुछ कहा NDA के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, और सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा। आज के तारीख में जब वो मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी 3.0, और BJP वाले भी कह रहे हैं मोदी 3.0, आपके तरफ से सलाह क्या होगा मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए? मैं नरेंद्र मोदी जी को कोई सलाह नहीं देना, सलाह तो भगवान की भी नहीं मानते, मैं वो गलती नहीं करूँगा। मेरी इतनी सलाह होगी कि वो जिस तरह ममता दीदी को हैरेस कर रहे हैं,
जो विपक्ष के जो बढ़ते हुए लोग हैं उनको हैरेस करने की कोशिश ना करें, वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा और कुछ नहीं निकलेगा उसमें से। ये जो रिजल्ट्स है बीजेपी का, आपको लग रहा है कि आरएसएस ने भी हाथ छोड़ दिया या बीजेपी के बहुत सारे नेताओं भी मोदी के ऊपर से हाथ छोड़ दिया, क्योंकि इलेक्शन लिटरली बीजेपी का गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी के ऊपर चुनाव हुआ। मेरी तो खबर ये है कि परसों आरएसएस के लोगों की कोई बैठक हुई थी दिल्ली में, जिसमें वो इस कोशिश में थे कि इनको चेंज कर दें, मोदी को चेंज कर। जी जी। अच्छा। तो वहाँ थिंकिंग चल रहा है और मुझे लगता है बीच में आरएसएस इनको चेंज कर दे। आरएसएस से भी बड़ा हो गया नरेंद्र मोदी, वो बोलते ही कहते ही थे। ये सवाल बहुत लाजमी है आज के तारीख में, बिकॉज सवाल जो पूछने वाले थे वो जिस जगह से सवाल उठना चाहिए उसको छोड़ के बाहर आना पड़ा मजबूरन, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। लेकिन मीडिया का भूमिका आपने भी देखा, हम सब ने देखा, ये क्या एक सीख है मीडिया के लिए कि अगर झुकते भी हो तो इतना झुको कि फिर से खड़ा हो पाओ, गिर मत जाओ। आप कुछ सलाह मीडिया को देंगे? मीडिया को गिरना ही नहीं चाहिए, मीडिया का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मीडिया फिजूल डरा हुआ है और मीडिया में भी वो डरे हुए हैं जिनके पास इल-गॉटन वेल्थ है। ये चुनाव किसानों का जवाब भी है? ऑफ कोर्स, किसानों का ही वो है मैनिफेस्टेशन उनके गुस्से का। आगे क्या क्या होगा सर, किसान क्या अभी समझेंगे, शांत हो जाएंगे? किसान आंदोलन जारी रहेगा, दोबारा आंदोलन होगा, उसकी तैयारी हो रही है। हरियाणा पंजाब में ऑलरेडी चल रहा है और वो दिल्ली बॉर्डर पे आते देर नहीं लगेगी। सत्यपाल मलिक का आगे का रणनीति क्या होगी, क्या उनका आंदोलन, उनका लड़ाई जारी रहेगा? मेरी लड़ाई जारी रहेगी, मैं जो मेरे स्तर का करने का काम है वो मैं करता रहूँगा। फाइनल क्वेश्चन सर, आपके ऊपर आरोप भी है कि आप कांग्रेस को मदद करने की कोशिश की, विपक्ष के लोगों को मदद करने की कोशिश की, और इसमें एक षड्यंत्र है, आप इसको मानते हैं? मैं कैसे कोशिश की, मैं तो कहीं कैंपेन में गया नहीं, कांग्रेस के किसी आदमी को बराबर में बैठा के कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कांग्रेस की सपोर्ट में कुछ बोला नहीं हूँ। अब वो खुद मदद हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन मैंने कोई डिलिबरेटली किसी की कोई मदद नहीं की। फाइनली सर, बीजेपी के तरफ से और मोदी के नरेंद्र मोदी के तरफ से सबसे बड़ा गलती इस चुनाव में क्या हुआ, और पिछले 5 साल में अगर एक दो चीज़ आप कहना चाहें इस चुनाव में? सबसे चुनाव से के अलावा भी सबसे बड़ी गलती हुई किसानों का माल ट्रीटमेंट, किसानों के साथ जो व्यवहार किया वो बहुत बुरा किया और उसका बहुत रिएक्शन हुआ, वो रहेगा। फिर वो जो एक ये लाए फौज के सिलसिले में अग्निवीर, उसका बहुत रिएक्शन है, फौज में भी उसका रिएक्शन है। किसानों को ये लगा कि हमारी ज़मीनें थी वो ख़त्म कर रहे हैं, हमारी खेती ख़त्म कर रहे हैं, हमारी फौज थी हमारे बच्चे चले जाते थे उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो किसानों में ये कन्विक्शन हो गया कि हमें ख़त्म करना चाहता है। क्या सत्यपाल मलिक ऑपोजिशन के लिए नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी सबसे बात करेंगे? ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर करूँगा। ओके, ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे। मैं लगभग सबसे टच में हूँ ऑलरेडी। अच्छा, ये रिजल्ट्स के बाद किसी से बात हुआ सर? इधर तो नहीं हुआ, रिजल्ट के पहले हुआ। अच्छा, और ये लोग अगर कह दिए कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कोई हम लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, एक अन जो पॉलिटिक्स में नहीं है अलग इंसान को बनाएंगे, अगर वो लोग प्रपोज कर दे सत्यपाल मलिक प्राइम मिनिस्टर बन गए? पॉलिटिकल सवाल है इसमें, मुझे मत फंसाइए, ये मेरा इशू नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक अपने को भी नहीं समझता हूँ, मैं अपने को एक विपक्ष की भूमिका में देखता हूँ। अच्छा, जो भी सरकार में आ जाए उनको मदद करूँगा जी। अच्छा, ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सत्यपाल मलिक कभी अपने शब्दों से छूटते नहीं है और निर्भय होके, निर्भीक होके वो बात करते हैं, तो उन्होंने आज भी कहा कि ये जो घमंड था, कोई अगर चुप्पी ठान ले मुद्दों के ऊपर, चाहे वो किसान की हो, मणिपुर की हो, तो घमंड का जवाब देश ने दिया है, इंडिया ने दिया है, ये सत्यपाल मलिक का कहना है। और विपक्ष को अगर उनकी मदद चाहिए आगे की रणनीति तय करने में या फिर किसी भी हालत में, सत्यपाल मलिक सेज ही इज देयर फॉर अ स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट एंड अ बेटर गवर्नमेंट। विद वीडियो जर्नलिस्ट रॉनी शात्रा हियर इन न्यू दिल्ली, दिस इज तमाल शाह फॉर न्यूज़ द ट्रूथ एनडीटीवी।